चल रही है कि इंडिया में एक चिप प्लांट, चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से, ये खबर आ रही है। और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। इजरायली मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने देश में $8 अरब के निवेश के प्लांट लगाने की प्रस्तावना दी है। यदि ये प्लांट बन जाता है तो भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 2021 में $10 अरब की स्कीम भी ऐलान किया था। भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप बनाई जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट सेटअप करने की बात कही है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस इन्वेस्टमेंट पे किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। उसमें जो डिटेल्स है वो ये है कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडिया आईटी मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। छोड़ो, गूगल देख लो, गूगल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। उसका सीईओ कहाँ का? इंडियन है। ट्विटर का भी इंडियन है। ठीक है, अब कर्जा ले लेती है, वो कर्जा अपनी पॉकेट में रख लेती है और आवाम सारी कर्जदार हो जाती है। बस स्किल्स है, ठीक है, यहाँ पे आप 2 वक्त की रोटी कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, अब पढ़ा लिखा इंसान क्या करे, मुझे ये समझ नहीं आती। स्टॉक मार्केट उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो लेके भागते नहीं है। वहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम है, आप पाकिस्तान के जो से एजुकेशन को उसके साथ जो से कम्पीट नहीं ना कर ही नहीं सकती। हमारा तो 100 साल पुराना एजुकेशन आपको मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू दिन से वो एक अब वो माइंडसेट बन गया हुआ कि ये काम नहीं होएगा। मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने ये नहीं किया कि इधर से हाथ मांग लिया, इधर से पैसा पकड़ लिया, इधर से वो कर लिया। उन्होंने शुरू से जो से टेक्नोलॉजीज को देखो, अब देखो इस पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जे के दम पे चला है। नहीं, इंडिया कैसे तरक्की, उस पे बता रहा हूँ, उस पे ही बता रहा हूँ। आप कभी नहीं लोन लिया कि भाई मेरा इतना बड़ा मुल्क है, मेरे पास पैसा नहीं है चलाने के लिए। हमारे 25 करोड़ हर बंदा, अगर पाकिस्तान का अगर बच्चे की भी बात कीजिए, उस पे भी 4 से 5 लाख रुपया कर्जा है। ये तो अब हमारे जो गवर्नमेंट है ना, ये हम उनका बहुत बड़ा हम पे मेहरबानी है। ठीक है, सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, ये हमारे सर पे बहुत बड़ा एहसान है उनका। ठीक है, हम कर्जे में डूबे हैं। ठीक है, अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, हर किसी को पता है हम कर्जदार हैं। हमने क्या वजूहत है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतना ज़्यादा अपनी इंडिया को आगे ले गए, क्या वजह लगती है आपको? हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जे के दम पे चला है। इंडिया कैसे तरक्की, उस पर बता रहा हूँ, उस पर ही बता रहा हूँ। अब हमारा जो पाकिस्तान है ना, इसने जो लिया है, जो तरक्की जितनी की है, जो अब तक की है, वो किया कर्जे पे। इंडिया ने जो यूएसए से रशिया से इन्होंने लिए टेक्नोलॉजीज, इन्होंने टोटली शुरू से टेक्नोलॉजीज पे काम किया है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं किया कि इधर से हाथ मांग लिया, इधर से पैसा पकड़ लिया, इधर से वो कर लिया। उन्होंने शुरू से जो टेक्नोलॉजीज को देखो, अब देखो एक सिम फोन की बात करता हूँ, सिंपल सी, उनकी वोडाफोन कंपनी है। ठीक है, अब उसकी जो मेन ब्रांच है, चलो इस पे भी छोड़ो, गूगल देख लो, गूगल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। उसका सीईओ कहाँ का? इंडियन है। ट्विटर का भी इंडियन है। ठीक है, अब उसको भी छोड़े, आप एक सिंपल सी बात करूँ, उसकी सिंपल कंपनी होती है इसकी, वोडाफोन। ठीक है, अब उसकी जो सी मेन ब्रांच है इंडिया, अब उसकी ब्रांचेस और भी हैं, अब उसकी दुबई में भी है, कतर में भी है, फिर यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, दुबई में भी है। पाकिस्तान की एक सबसे अच्छी सिम्फोन कंपनी आप बता सकती हैं? जायज है, एक बात कर लेता हूँ, आप इसकी ब्रांचेस बता दें कहाँ कहाँ। कोई नहीं है, मुल्क से बाहर बढ़ा ही नहीं बिजनेस। के साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि
कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो सीजिंग ऑन द वर्ल्ड डिजायर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना एंड इज ऑफरिंग बिलियंस टू बिल्ड एन एंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ऑन वास्ट एम्प्टी प्लॉट्स। तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट, अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो जो बताई गई है इसके अंदर। लेकिन देखिये इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इसराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव जो है टू द इंडस्ट्री और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मुख्तस कर चुके हैं जिसमें। और उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है। और दुनिया भर के जब भी जरूरत हो उनको तो वो किस तरफ देखते हैं, वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है। बंधुरा আপনারা তো জানেন এই মুহূর্তে ইসরায়েল ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ব্যস্ত। এই যুদ্ধ দু একদিনের নয়, মাসের পর মাস ধরে চলছে। এরপরেও ইসরায়েলের তরফ থেকে ভারতের জন্য যে সুখবর নিয়ে এসেছে সেটিকে দেখে বিশেষ করে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানিদের মাথা খারাপ। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা শুনেছেন ভারতে আবারও বড় পরিমাণের চিপকে ম্যানুফ্যাকচারিং করবার জন্য তারা বড় পরিমাণে একটি ইনভেস্ট করতে চলেছে। যেখানে ভারতের ভেতরে এত বড় ইনভেস্টমেন্ট আর গোটা বিশ্বের সমস্ত বড় বড় বিজনেসম্যানরা ভারতে এসেই তারা সেট আপকে লাগাচ্ছে, এটা দেখে পাকিস্তানিরা এখনো পর্যন্ত এটা বুঝতে পারছে না যে সবাই এখন ধীরে ধীরে কেন ভারতের দিকে মুভান হচ্ছে। তার থেকে বড় কথা, ইসরায়েল তখন নিজেই ব্যস্ত, নিজে ব্যস্ত হবার পরে ভারতের ভেতরে কি করে এত বড় পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য তারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, আর এটাকে দেখেই পাকিস্তানিদের মনে ভীষণভাবে জ্বলছে। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।